शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं आपके स्टार्स और क्या हो सकता है आज आपके साथ। तो पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके विषय में मैं आज बता दूं आपको कि आपके लिए आज जो दिन है काफी उत्साहवर्धक शुरुआत होने वाली है आपके दिन में। आपके काफी सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे जिससे आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। कार्य व्यापार की दृष्टि से, पर्सनल रिलेशन की दृष्टि से आज दिन आपका काफी उत्तम है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों के जीवन में भी आज बड़ा परिवर्तन होगा। आपकी कई समस्याओं का समाधान मिलेगा, मुकदमेबाजी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कोर्ट केस का समाधान मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु आपको लाभ की स्थिति में भी लाने का प्रलोभन देने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन प्रलोभित ना हो आपके जीवन में अपने विचार से निर्णय लें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। थोड़ी सी आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अपने स्किन का विशेष ध्यान रखें। कई बार एलर्जी हमारे लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। अगर हम कार्य व्यापार की दृष्टि से देखें तो समय आपके लिए आज उत्तम है। कई यात्राओं के आपके मुझे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है उनको मानसिक रूप से आज उनकी स्थिति काफी खराब हो सकती है। आपका मन काफी उदास हो सकता है क्योंकि वैसे भी कर्क राशि वाले थोड़े से दिमाग से दूसरों के अनुसार चलने वाले होते हैं, क्योंकि वो मन से कम चलते हैं। उनको लोग जैसा समझा देते हैं उसके अनुसार वो अपनी धारा चेंज करते रहते हैं। तो अपने इस भ्रम से बाहर निकलिए, देखिए कि आपके आसपास के जो आपको लोग हैं वो आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं या उनके पीछे किसी प्रकार की लाभ की स्थिति छुपी हुई है। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो जो सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में आज का दिन अच्छा नहीं है। किसी प्रकार की यात्रा ना करें, किसी प्रकार का धन किसी को ना दें और किसी प्रकार की अगर आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो आज उसे आप त्याग दें, नहीं तो आपके लिए वो आगे भविष्य में नुकसानकारी हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि कन्या है उनके जीवन में स्थिति बेटर से बेटर है। लाभ होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाभ बहुत ज्यादा आपको व्यापारिक दृष्टि से लाभ नहीं दिलाएगा, लेकिन मानसिक रूप से आपकी संतुष्टि बढ़ जाएगी। अगर बहुत दिनों से आपको संतान की इच्छा रखते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपके संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि तुला है उनके जीवन में भी स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर पाते, जिसके आपको हानि लगातार बनती हुई मुझे नजर आ रही है और आपके कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उतना लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं जितना लाभ आपको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति वैसी नहीं है जैसी आपकी होनी चाहिए। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए एक बार आपको फिर से याद दिला दें, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में अगर आप बहुत दिनों से संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको संतान प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और जो आपके संतान है उसको भी लेकर आपके जीवन में कई सारी उलझनें बढ़ सकती हैं। तो संतान संबंधी पक्षों को सोच समझ कर आगे बढ़ें और निर्णय लें, नहीं तो आपके संतान को समस्या आ सकती है जिससे आपका मन विचलित हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मकर है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वार्थवश कई चीजों को बहुत ज्यादा ओवरलुक कर देते हैं जिसके कारण आप अपनी चीजों को बिगाड़ लेते हैं। सोच समझ कर जिनमें निर्णय लें, आपके प्रमोशन के योग भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। जिनकी राशि कुंभ है उनके जीवन में पहले से स्थिति नॉर्मल है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं काम को लेकर समस्या है, आपको किसी प्रकार के दस्तावेज को लेकर समस्या आ सकती है जिससे आपकी चीजें बिगड़ सकती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मन विचलित है,
जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करता है, लेकिन सोच समझ कर अगर आप निर्णय लेंगे तो अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। अचानक आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा और आपको धन लाभ की स्थिति भी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।